हाय गाइस, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो शाम का टाइम हो चुका है और मैं फार्म की तरफ आ चुका हूँ। आज मौसम भी काफ़ी खुला खुला मौसम लग रहा है, तो फार्म का नज़ारा कैसा है ब्लॉग में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। और ब्लॉग पे आप कंटिन्यू बने रहे, ब्लॉग पे आज अच्छी अच्छी हरियाली कुछ चीज़ें आपको दिखने वाली है, तो ब्लॉग पे ऐसे बने रहना और ब्लॉग का फुल आनंद फुल मजे लेना। अभी छोटे हैं तो बकरियों के साथ चल नहीं पाते, इसलिए कि यहाँ पर अचका अचका खाते हैं। और एक तो देखो ये इधर घुस के ये क्या खा रहा है। अरे भाई क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, ये देखो ये मेल, ये फीमेल, ये देखो। और ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। और मेरे फार्म के अंदर भी ये देखो ना छोटा सा गेट लगाया हुआ है, तो गेट को कर लेते हैं ऐसे बंद और चलते हैं फार्म के अंदर। फार्म के अंदर भी क्या है, कुछ मुर्गी वगैरह है तो वो भी आपको बताते हैं। ये देख लो, ले 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 चिच चिच ले 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 ये है मुर्गा, ये मुर्गा, ये वाइट वाली मुर्गी। ये देखो इसके छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे प्यारे 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 छोटे छोटे चुनु मुनु 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 भाग गए। और छोटे इससे और छोटे वाले चुनु मुनु बताने वाला हूँ, इससे भी छोटे वाले चुनु मुनु। ये है इनके पानी पी का सिस्टम, इसमें बताता हूँ पानी कैसे आता है। ये पानी अपन ने गिरा दिया, अभी देख पानी आएगा, ये आया ऑटोमेटिक पानी आता है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ऑटोमेटिक पानी आता है। तो छोटे मोटे चुन्नु मुन्नु और बताता हूँ आपको, इससे और छोटे वाले चुन्नु मुन्नु। ये देखो ये रहे, ये रहे बिल्कुल छोटे वाले चुन्नु मुन्नु, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे छोटे मोटे चुन्नु, 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 छोटे मोटे चुन्नु। और ये है इनका रहने का घर, इसके अंदर रहते हैं, दाना पानी के लिए रखा हुआ है। और ये है पूरा बड़ा वाला फार्म का सेटअप। और बाहर की तो बताते हैं आपको, ये है हमारी भैंसे, गऊ माता, इतनी सारी गाय, ये भैंसे। अभी भैंस को रस्का वगैरह भी काट दिया है, तो भैंस को रस्का वगैरह डालेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, पहले ही गाय को यहाँ से भगाएंगे, भगाने के बाद ही फिर रस्का वगैरह डालेंगे। और भैंस को थोड़ी बांध देते हैं, पक पक पक, के ये देखो सुगली कितनी गंदी हो गई है, कितनी गंदी होगी सुगली, कितनी गंदी होगी, कितना लगाया गया ये मिट्टी। चल लकड़ी लेनी पड़ेगी, बाकी चलने वाली है नहीं, उठाते लकड़ी। चल जा, तो बांध देते हैं फिलहाल इसको। छोटी भैंस, बड़ी भैंस, ये पड़ा है रचका, ये रचका उठाते हैं और डालते हैं भैंस को। और भैंस को डाल लेते हैं, डेली की रूटीन रहती है, शाम को भैंस को इसका डालना ही पड़ता है, कि अभी भैंस बच्चा देने वाली है तो इसका काफ़ी ख्याल रखना है। कम से कम महीने दो महीने बाद में भैंस बच्चा दे देगी, इसलिए रचके का बहुत खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि खाना पीना अच्छा देंगे तो बच्चा भी काफ़ी स्वस्थ रहेगा। तो ये डालते हैं भैंस को रचका। तो गाइस आज का ब्लॉग यही खत्म करता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नई वीडियो के साथ में, जब तक के जय श्री राम, वंदे मातरम।